और चलते हैं अब शिलांग की तरफ, और बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है। वो वहाँ से चलते हुए इतना ऊपर आता है अभी यहाँ से इस तरफ। ऐसा कुछ हवाई वो यहाँ चाय पानी पीते। आज लगता है अपना बेड डे है, 9:30 बज गया और रहने का कोई ठिकाना नहीं है अभी तक। बैक टू द चैनल, और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा उन्हें पता है कि अभी मैं उमलिंग में हूँ। यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आया था जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे मैं रुका हुआ था। सर से मैंने परमिशन ले ली थी, तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, यहाँ पर आप रुक सकते हो। मैंने सोचा था यार इस तरफ यहाँ पर कैंपिंग वगैरह कर लूँगा, लेकिन सर ने बोला था कि यहाँ पर रूम वगैरह है, यहाँ पर कई लोग रहते हैं, तो आप भी रुक जाना। तो यार इसी रूम में रुका हुआ था मैं, बढ़िया रात निकली और खाना पीना भी हो गया था यार। और अभी भी भाई लोगों के साथ खाना वाना खाना पीना हो गया, और यहाँ पे यार ये लोग गाड़ियाँ लेके जाते हैं, तो मैं भी इनके साथ चले जाऊँगा। एक्चुअली ये क्या होता है कि शिलोंग और मतलब चेरापूंजी के थोड़ा पहले तक जाते हैं गाड़ी लेके, तो इन लोगों के साथ मैं चला जाऊँगा, तो वो मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे यार। और कुछ बीच में जो स्पॉट आएंगे वो ढूंढ भी लूँगा मैं। चलो थोड़ा सा रूम दिखाता हूँ मैं आपको, और भाई लोगों से भी मिलाता हूँ कि कहाँ पे मैं रुका था किस रूम में। तो यार यहाँ पे था अपना आशियाना, और अभी हाल सब लोगों ने खाना पीना खाया, देखो सब बर्तन वर्तन सब रखे हुए। तो ये भाई लोग तो इनके साथ ही जाएंगे यार, अभी भैया जाएंगे, इन्होंने बोला कि उस तरफ ही जाएंगे, तो इनके साथ ही जाएंगे। ये देखो सब लोग आया कर दो, वो एक भैया छुप रहे हैं, वो आए नहीं कर रहे। तो कुछ ऐसा सीन है यार, और अभी बज चुका है दोपहर का 1:30 के आसपास समय हो गया। फाइनली खाना पीना खा के भाई लोगों के साथ निकल गया हूँ, और चलते हैं अब शिलांग की तरफ, और बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है और अच्छे अच्छे नज़ारे स्टार्ट हो गए हैं। अब तो दिखाता हूँ मैं, ये इस तरफ आगे की तरफ ये वाला मेघालय का चेक पोस्ट है आगे, और देखो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो मेघालय मतलब बारिश, क्योंकि ये मेघ का आले है मतलब बादलों का घर, तो यहाँ पे बारिश कभी भी हो जाती है। और आप देखिए खूबसूरत नज़ारे, वाह। यहाँ पर ट्रक रेस चल रहा है, देखो इधर का सीन खतरनाक है। यहाँ यहाँ खड़े हो गए, लेकिन बनाओगे बना लेंगे। तो भाई अभी हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, वो देखो वो वहाँ से चलते हुए इतना ऊपर आ गए अभी यहाँ से इस तरफ, काफ़ी ऊपर नज़ारा आया है। वो भैया ने स्पेशली मेरे लिए गाड़ी रोकी, देखो वीडियो बनाने के लिए। तो सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हमारा सफ़र पहुँच चुका है डोंगपो तक, और डोंगपो यार बीच में पड़ता है, करीब करीब यहाँ से शिलांग होगा लगभग 30 से 40 किलोमीटर के आसपास। अच्छा छोटा सा कस्बा बना हुआ है।
ये मतलब घाट क्रॉस करते हुए ऐसे ही स्टार्ट होता है घाट, अब तो समाप्त हो चुका है। यहाँ पे कोई बारिश का नामो निशान नहीं है अभी तो, उस तरफ घाट पे थोड़ा पानी गिर रहा था, यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा मौसम है। तो अभी यार पहुंच चुके हैं उमियम से आगे की तरफ आया हूँ मैं 15-20 किलोमीटर, अभी वापस उमियम की तरफ जाऊंगा। भैया लोग इस तरफ आ रहे थे तो यहाँ से रिटर्न होके अब मैं उमियम की तरफ जाऊंगा। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ से देखो आप पीछे की तरफ, बहुत ही ज़ोरदार लोकेशन है ये। यहाँ पर इनको कुछ काम था तो ये 15 किलोमीटर तक आ रहे थे, तो यहाँ तक आ गया इनके साथ, अब वापस वो शिलांग की तरफ जाऊँगा। तो अब यहाँ से 15-20 किलोमीटर है तो उमियम विज़िट करेंगे और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखिए आप। बहुत ही प्यारी लोकेशन है गाइस, वो देखो पहाड़ वो आखिरी तक। क्या गर्म हो गया क्या? वो धुआं छोड़ रहा है। तो अभी एक टी ब्रेक लिया, चाय पानी पीते हैं और फिर चलते आगे। ऐसा कुछ ढाबा है वो, यहाँ चाय पानी पीते हैं। उससे बात करें क्यों नहीं होगा? अक्षय कुमार साहब बात कर रहे हैं, बोल वीडियो बनाने। आ गए अक्षय कुमार वाले में, आ गए इसको छुपाने से क्या मतलब है? अक्षय कुमार वाले में आ गए, सपनों का अक्षय कुमार बस परन के साथ अच्छे ही बोल रहा है। वही अच्छे है। अरे चाय आ रही है, चाय के साथ खाएंगे। चाय के साथ खाएंगे। चुड़ैल बोलता है अक्षय कुमार, कहाँ से बात कर रही है? अक्षय कुमार डायन भी बोलता है, कहाँ से बात करते हैं अक्षय कुमार से? बिहार मेरा भी, मेरा ही बताओ भाई। भाईजान मेरा भी बताओ। अच्छा वीडियो नहीं डालते हैं? हाँ, मेरा फॉलो बैक करूंगा नहीं तो तब। अरे नहीं इंस्टा नहीं, मेरा यूट्यूब। यूट्यूब चलाते हो? मम्मी के यूट्यूब है। हां मम्मी को तो फॉलो कर लो, मम्मी को दिखा दो। मैं अक्षय कुमार से बात कर रही थी। ओए आएगा उसमें तो वीडियो मत देखना ना, वो वाला वीडियो मत देखना, दूसरे देखना। हेलो भैया, कलीम भाई और वो एक और भाई थे उनके साथ जो हम तीनों लोग आए थे, उन्होंने अपना सफ़र वापस पेट्रोल पम्प की तरफ किया। भाई लोग चले गए हैं और फिर से जब रिटर्न आऊँगा मैं तब वापस उनसे आई होप मिलेंगे। तो ये ओवरब्रिज से वो उस तरफ चले गए वापस अपने उमलिंग की तरफ जहाँ से मैं आया था, और अब मैं जाऊँगा इस तरफ जो कि शिलांग का रास्ता होगा। अभी बीच में उमियम लेक आएगा, उसको देखते हैं। और शाम हो गई है
तो ठिकाना ढूंढते हैं। यहाँ से पास में ही है उमियम लेक आगे की तरफ। आसाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बनवाया था ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, तो ये अर्ली 1960 में बनाया था आसाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने, तब से ये बना हुआ है और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है शाम के वक्त। ये देखिए आप, और शाम को इसकी खूबसूरती और ही मतलब अच्छी है, मतलब दिन के मुकाबले शाम को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस उमियम लेक विज़िट करने के बाद अभी जंगल की तरफ फंस चुका हूँ यार मैं। यहाँ से अभी 16 किलोमीटर है शिलांग, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। ये एक रिसॉर्ट की तरफ आया हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यवस्था है नहीं कैंप लगाने की। चलता हूँ आगे, देखता हूँ आज किधर है अपना तंबू लगाना आज। कुछ ऐसी जगह है ये, देखता हूँ किधर लगाता हूँ। तो शिलांग वाला हाईवे यहाँ से 16 किलोमीटर है 16, और यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। तो बोल रहा हूँ हेल्प कर दे आगे पेट्रोल पंप पे, शायद वहाँ देखता हूँ अगर कोई व्यवस्था होती है। तो रोड का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है यहाँ पे, अभी बहुत ट्रैफिक है यार, कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे चल रही। और शिलांग में हूँ मैं, बट आज लगता है अपना बेड डे है। 9:30 बज गया और रहने का कोई ठिकाना नहीं है अभी तक। और पेट्रोल पंप पे गया था 2-3, बट कोई ऐसा बात बनी नहीं। देखते हैं अभी किधर जगह मिलती है। 9:30 तो हो गया ऑलरेडी, और काफ़ी चल चुका हूँ यार, काफ़ी थक चुका हूँ आज। पता नहीं आज बेड डे है अपना। तो फिलहाल अभी टाइम हो चुका है 9:30, और मैं फंस चुका हूँ बिल्कुल यहाँ से शिलांग के करीब करीब 8-9 किलोमीटर। और अभी यार आज इतना वेट लगे कि मतलब एक दो पेट्रोल पंप पे भी ट्राई किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अब यहाँ से चलते हैं शिलांग को, शिलांग यहाँ से 9 किलोमीटर है, तो देखते हैं वहाँ पे कुछ होता है तो अदरवाइज़ क्या ऑप्शन रहता आज। क्योंकि एक दो मैंने पेट्रोल पंप पे ट्राई किया, यहाँ पे भी ट्राई किया अभी, तो हर कोई मना कर रहा है यार। तो देखते हैं आगे कहाँ तक अपनी मंजिल आज। I forgot your name. My name is Vicky. Vicky? Yeah. Okay. Max. So guys, अभी finally पूरा ढूंढ रहा था यार मैं, मतलब जगह ढूंढ रहा था तो उस तरफ पेट्रोल पंप तक, पेट्रोल पंप पे विक्की मिले मेरे को। सो अभी आ चुके हैं यार इनके घर पे, और रेस्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, लगभग अराउंड 10 बज गया है। और फिर बताता हूँ मैं आगे, बाद में बात करता हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभरात्रि, शब बखैर। मैक्स।